नमस्कार, जी बिजनेस पर सैमको द्वारा प्रायोजित सेगमेंट मिशन इज द इंडेक्स में आपका स्वागत है। सैमको ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं और उनके बनाए गए टूल्स का इस्तेमाल करके इंडेक्स से बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके इंडेक्स एसर रहे राजीव साहब, आपके शानदार प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं। काफी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है। दर्शकों को विस्तार से बताता हूँ, फिलहाल अगर आप देखें तो जिस प्रकार से आपकी ट्रेड्स हैं, इन ट्रेड्स के मुताबिक आपकी पर्सनल इंडेक्स की वैल्यू आ रही है करीब 94 के आसपास, और जो आउट परफॉर्मेंस परसेंटेज के टर्म्स में वो 22% का शानदार आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला है। सर, पहले यही बताइए कि क्या रणनीति है, कैसे हासिल किया आपने आउट परफॉर्मेंस? जी, मैं शेयर मार्केट में काफ़ी सालों से ट्रेड कर रहा हूँ और अभी इन रिसेंट मुझे लगता है कि हमारा मार्केट आने वाले टाइम पे बहुत बेहतर रिटर्न देगा। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम आपके चैनलों से देखते हैं, कुछ हमारे जो ब्रोकर हैं फैन को उनके गाइडलाइंस बहुत अच्छे मिलते हैं हम लोग को मेल में, न्यूज़ में। तो इसी तरह कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए मैं अपना ट्रेड लेता हूँ। ऑलराइट, तो ट्रेड्स की रणनीति है, काफ़ी सालों का अनुभव है और यही अनुभव काम आता है आउट परफॉर्मेंस के जरिए। तो लेकिन थोड़ा सा और एनालिटिकल पार्ट पे समझना चाहूँगा कि जब आप ट्रेड्स लेते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप फंडामेंटल, ग्लोबल न्यूज़, डेरिवेटिव्स के डेटा, ऑप्शन चेन या टेक्निकल एनालिसिस, क्या प्रेफर करते हैं सर आप? जैसे ग्लोबल न्यूज़ मैं देखता हूँ और जैसे इक्विटी में मैं अभी कुछ कुछ सेक्टर्स में मैंने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जी, तो इक्विटी के अंदर जो न्यू एज स्टॉक्स हैं मैं उन न्यू एज स्टॉक्स में मैंने अपना मैक्सिमम एक्सपोजर दिया हुआ है। जैसे मैं कुछ स्टॉक के नाम लेना चाहूँगा, एक इलेक्ट्रिकल सेगमेंट की कंपनी है अपार इंडस्ट्रीज को मैं लास्ट ईयर से फॉलो कर रहा हूँ और उसमें मैंने काफ़ी अच्छा एक्सपोजर दिया है। और एक है अतुल ऑटो, एक है एलिकॉन इंजीनियरिंग, इस तरह की कुछ 3-4 कंपनीज है जिस पे मेरा बहुत भरोसा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये अभी मैं कुछ लोगों को फॉलो भी करता हूँ और कुछ शेयर्स के परफॉर्मेंस मैं एनालिसिस से भी करता हूँ। तो इस तरह से मैं अपना एक पोर्टफोलियो डेवलप किया है मैंने और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आने वाले 2-3 सालों में ये सब मुझे बहुत बेहतर रिटर्न देंगे। तो स्टॉक्स जो हैं इंडिविजुअल, यहाँ पर आपकी राय है और आपके एक्सपोजर काफ़ी बढ़े हैं और इसी का फ़ायदा देखने को मिलता है। अच्छा, ग्लोबल वाली बात मैंने इसके लिए पूछी क्योंकि अगर आपकी पोजीशंस में देखूं कल की, तो आपने BPCL की जो है पुट ऑप्शन ट्रेड की थी, और क्योंकि हम सब समझते हैं इस चीज़ को कि जब भी क्रूड ऑयल में उबाल आता है, तेज़ी आती है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक अच्छा खासा फ़ायदा हुआ था। इसके अलावा अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में आपके बेरिश ट्रेड थे और निफ्टी में भी बेरिश ट्रेड थे। ये जो पोजीशंस है सारी रियलाइज है, क्लोज कर दी आपने? हाँ जी, सारी रियलाइज है। ये मैंने लास्ट वीक को मैंने कैरी की थी ये पोजीशन जी। तो उस समय मेरा मानना था, मैंने BPCL की जो पुट ली थी, मुझे मेरा मानना था कि ये इस वीक में मुझे इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, जो मुझे मिला भी। तो ये एक जस्ट प्रेडिक्शन से, सारी न्यूज़ चैनल्स को मैं फॉलो करता हूँ, आपकी जी बिजनेस को भी मैं बहुत अपना चुका हूँ, तो लेकिन मुझे बहुत हेल्प मिलती है इसमें। तो ये BPCL पर्टिकुलर जो ट्रेड मैंने लिया था ये खाली इसी रीज़न के लिए लिया था, मेरा मानना था कि पेट्रोल कंपनीज जो हैं उनके अभी आने वाले समय में और भी प्राइसेस बढ़ने के आसार हैं। तो ये जब बढ़ेंगे तो इनके लिए एक नेगेटिव न्यूज़ होगी। बिल्कुल बेहतरीन रणनीति यहाँ पर फिलहाल के लिए साबित हुई। अच्छा, कुछ आज के जो ट्रेड्स हैं ये भी मेरे पास आ चुके हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो कॉल ऑप्शन आज तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है और मुझे लग रहा है कि कोई कंबाइंड स्ट्रैटेजी आपने बनाई है बैंक निफ्टी पर, और साथ में अगर आप देखें तो आपने कैश में भी कुछ खरीदारी की है कोलगेट पामोलिव पर, इसके बारे में बताइए। जी, मुझे अब पर्सनली जो मुझे लग रहा है कि ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी इसके हिसाब से मार्केट जो है इसको डाइजेस्ट कर चुका है और बहुत ज़्यादा डाउनफॉल अब रहेगी नहीं, तो ये यहाँ से मार्केट मुझे और अच्छा लग रहा है, इस वीक में भी और अच्छा लग रहा है। और प्रॉफिट बुकिंग जो मैं अपने नज़रिए से देख पा रहा हूँ कि भाई FIIs जितनी सेलिंग कर रहे हैं, हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर, हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेस उससे डबल परचेज कर रहे हैं। तो ये कभी कभार मार्केट में जो हल्की फुल्की गिरावट आती है ये एक अच्छा अवसर है कैपिटलाइज करने का। इसलिए आज की जो ट्रेड मैंने लिया है ये मेरे एक्सपीरियंस है कि भाई अब ये इस वीक में मार्केट मुझे और अच्छा दिख रहा है।
भी बढ़िया आउटलुक लग रहा है, सालों का अनुभव है, डेटा पर गहरी पकड़ है और ग्लोबल न्यूज़ भी ट्रैक करते हैं, और उसी के चलते आप देखिए कि सैमको का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर आपकी तरफ से देखने को मिला है। शुक्रिया सर जी बिजनेस के लिए समय निकालने के लिए और दर्शकों के साथ अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।